जीवन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड गेट नोटिफिकेशंस ऑफ न्यू वीडियोस। सो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि यूट्यूब मैनोमीटर का गेज प्रेशर्स का जो हमारे पास फॉर्मूला आया था वो था पी इक्वल टू रो टू एच टू जी माइनस रो वन एच वन जी। इसमें से हमने जी कॉमन लिया था और वो था हमारे पास एच टू रो टू माइनस एच वन रो वन। ये फॉर्मूला हमने देखा था गेज प्रेशर में। अब वैक्यूम प्रेशर का हमारे पास जो फॉर्मूला आया था वो था पी इक्वल टू माइनस रो वन जी एच वन प्लस रो टू जी एच टू। यहाँ से जी कॉमन लेंगे तो हमें मिलता है रो वन एच वन प्लस रो टू एच टू। गाइस, हमने ये लास्ट वीडियो में देख लिया था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो है हमारे पास एक न्यूमेरिकल्स, इन्हीं से रिलेटेड होगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक आएगा डिफरेंशियल मैनोमीटर, तो देख लेते हैं वो न्यूमेरिकल्स क्या है और वो न्यूमेरिकल जो हम मैं आपको बताने वाला हूँ वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो यूट्यूब मैनोमीटर पर ही बेस्ड है। तो देखते हैं, ये हमारे पास एक यूट्यूब मैनोमीटर का न्यूमेरिकल है जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, तो इसको ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है, द राइट लिंब ऑफ ए सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर। देखिएगा यहाँ पे यूट्यूब मैनोमीटर, सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर की बात कही गई है। कंटेनिंग मरकरी इज ओपन टू द एटमोसफेयर, और उसमें मरकरी फिल है, जो दूसरा सिरा है उसमें मरकरी फिल है, उसमें एटमोसफेयर में जो ओपन है हमारे पास। तो भाई चलते हैं एक न्यूमेरिकल की तरफ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, ए राइट लिंब ऑफ ए सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर कंटेनिंग मरकरी इज ओपन टू द एटमोसफेयर वाइल द लेफ्ट लिंब इज कनेक्टेड टू ए पाइप इन विच ए फ्लूड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 फ्लोइंग द सेंटर ऑफ द पाइप इज 12 सेंटीमीटर बिलो द लेवल ऑफ मरकरी इन द राइट लिंब। फाइंड द प्रेशर ऑफ फ्लूड इन द पाइप इफ द डिफरेंस ऑफ मरकरी लेवल इन द लिंब इन 20 सेंटीमीटर। देखते हैं इस फिगर की सहायता से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक राइट लिंब है जो सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर का है, जिसमें मरकरी है, ये राइट लिंब है, इसमें सिंपल मरकरी हमारी भरी हुई है, और जो लेफ्ट लिंब है वो कनेक्टेड है फ्लूड के पाइप से, जिसमें हमें क्या करना है, प्रेशर निकालना है। और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी दी हुई है, 0.9 दी हुई है। द सेंटर ऑफ द पाइप इज 12 सेंटीमीटर बिलो द लेवल ऑफ मरकरी, ये मरकरी का लेवल है, और ये जो लेफ्ट लिंब है इसका जो सेंटर है जहाँ पर हमें प्रेशर फाइंड करना है उसका जो डिस्टेंस है वो 12 सेंटीमीटर है मरकरी के लेवल से, यानी कि मरकरी का लेवल है उससे ब्लो नीचे की तरफ को 12 सेंटीमीटर है। फाइंड द प्रेशर ऑफ फ्लूड, फ्लूड का प्रेशर हमें निकालना है, यानी कि ये जो फ्लूड भरा हुआ मरकरी का नहीं निकालना है, ये जो फ्लूड हमें मिला है इसमें भरा हुआ है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है उसका हमें प्रेशर निकालना है। इफ़ द डिफरेंस ऑफ मरकरी लेवल द लिम्ब इज 20 सेंटीमीटर। अब मरकरी लेवल का जो दोनों साइड का डिफरेंस है, देखिएगा यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये है, तो डिफरेंस हमारे पास ये हुआ, तो ये कितना है, 20 सेंटीमीटर। चलते हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, गिविन डाटा देख लेते हैं। हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, 0.9 है, तो अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी में 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारे पास लिक्विड की डेंसिटी मिल जाती है। तो लिक्विड की डेंसिटी हमारे पास कितनी मिली, 900, और जो इसकी यूनिट होती है वो है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्लियर। अब जो हमारे पास लिंब है फर्स्ट, यानी कि लेफ्ट वाला जो लिंब है उसकी जो डिस्टेंस है, हाइट है लिक्विड की, वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर, तो इसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया, 0.08। और जो लिंब हमारा सेकंड है उसमें मरकरी फिल है, यानी कि राइट लिंब, तो मरकरी की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो होती है 13.6, उसमें हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होता है हमारे पास 13600, यानी कि 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाता है। तो उसकी जो हाइट है
अब देखते हैं इसकी हाइट। इस लेवल से इसकी हाइट को हम देखेंगे तो हाइट हमें मिलती है 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 मीटर आएगा। अब देखिएगा इस प्रोसेस को बहुत ध्यान से देखिएगा, ये प्रोसेस किस तरीके से होता है। तो प्रेशर हमें निकालना है पॉइंट पी पर, यहाँ से जहाँ से हमें प्रेशर निकालना है वहीं से हम स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इस लेवल से नीचे की तरफ, इस लेवल से नीचे की तरफ जाते हुए हम यहाँ तक जाएंगे। तो नीचे की तरफ चलेंगे, मैंने क्या कहा था कि नीचे को हम प्लस लेते हैं और ऊपर को हम क्या लेते हैं माइनस लेते हैं। तो नीचे को हम चलेंगे तो क्या क्या आएगा, सबसे पहले पी लिख लेंगे प्लस में, यहाँ पर देखिएगा पी लिखा फिर प्लस में यहाँ से देखिएगा। अब यहाँ एच वन कितना है, 8 सेंटीमीटर है, तो एच वन की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले पी, ठीक, इस लेवल से इस लेवल तक जाना है। अब सेकंड नंबर पे तो नीचे जा रहे हैं तो प्लस लेंगे, कोई हमारा लिक्विड है जो रो वन है उसकी डेंसिटी हमने मान ली है, और जी जी हमारे पास होता है एच वन, एच वन हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, उसको हम आगे वाले रखेंगे तो एच वन आ गया माइनस। यहाँ से हम छोड़ देते हैं, देखो मैंने कहा था कि यहाँ से हम छोड़ देंगे, इससे ऊपर को हम देखेंगे तो ऊपर को हम जाएंगे तो माइनस लेंगे, तो माइनस रो टू एच टू जी, यानी कि एच टू क्या है इस लेवल से और इस मर्करी लेवल तक की हाइट है। आगे देखेंगे पी प्लस रो वन जी एच वन इक्वल टू, यानी कि माइनस का है, अगर हम इधर ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा रो टू जी एच टू। इसी तरीके से हमें पी फाइंड करना है, तो पी को हम सिंगल इस साइड में रखेंगे पर हमारे पास क्या मिलता है रो टू जी एच टू, ये तो प्लस का ही रहेगा लेकिन ये इधर जाकर के माइनस का रो वन जी एच वन हो जाएगा। यहाँ से हम सभी की वैल्यू रख देंगे, देखिए गाइस रो टू की वैल्यू दे रखी है 13600 इंटू जी की वैल्यू हमारे पास मिल जाती है 9.81 और एच टू की वैल्यू हमारे पास है 0.2, यानी कि 20 सेंटीमीटर जो थी उसको हमने मीटर में कन्वर्ट करके रखा है 0.2। माइनस यहाँ पे माइनस है, माइनस रखा, रो वन की वैल्यू कितनी है, रो वन देखिएगा, रो वन हमारे पास ये लिक्विड था और इसकी जो लिक्विड की डेंसिटी थी वो स्पेसिफिक ग्रेविटी थी वो कितनी थी 0.9 और डेंसिटी हमारे पास कितनी हो गई थी 900। तो 900 इसकी रो टू आगे, सॉरी रो वन की डेंसिटी हमारे पास 900 है, रो टू तो हमारे पास 13600 क्योंकि वो मरकरी है। जी की वैल्यू 9.81 और एच वन की वैल्यू हम रखेंगे 0.08। इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर हमें क्या मिलता है, इसको देखिएगा गाइस, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 26683 माइनस, इसको सॉल्व करने पर हमें आता है 706। टोटल को हम जब इसमें से माइनस करेंगे यानी कि 26683 में से हम 706 को माइनस करेंगे तो हम पाते हैं कि 25977 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या है, उसको हम बार भी लिख सकते हैं, यानी कि 25977 बार हम प्रेशर को लिख सकते हैं। अब हमारे पास जो डायमेंशन थी वो सेंटीमीटर में थी तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 2.597 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। गाइज देखिएगा कितना अच्छा क्वेश्चन था और इसको हम बहुत ही अच्छे से देखें, ठीक है। तो जो पी की वैल्यू हमारे पास निकली है सेंटीमीटर स्क्वायर में 2.597 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया इसलिए हमारे पास ये वैल्यू आई है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो हमारे पास है डिफरेंशियल मैनोमीटर। देखिएगा स्टूडेंट्स डिफरेंशियल मैनोमीटर पर हम आते हैं, तो डिफरेंशियल मैनोमीटर होता क्या है। डिफरेंशियल मैनोमीटर आर द डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन टू पॉइंट्स इन ए पाइप और इन टू डिफरेंट पाइप। देखिएगा डिफरेंशियल मैनोमीटर नाम से ही हमें पता चल रहा है कि यह एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम दो पाइप के प्रेशर पॉइंट को नापने में यूज करते हैं, यानी हमें प्रेशर तो इसको मेजर किया जाता है, प्रेशर इसी से मेजर किया जाता है जो फ्लूड का प्रेशर होता है, लेकिन पाइप के अगर हम दो हिस्से ले लें, ठीक है, तो उनमें हम इनके डिफरेंट पाइप लें तो उनके पॉइंट पर हम प्रेशर अगर निकालेंगे तो वो भी डिफरेंशियल मैनोमीटर से हम निकाल सकते हैं, और अगर एक ही पाइप है और उसके दोनों सिरों पर हमें प्रेशर फाइंड करना है तो तब भी हम क्या करेंगे डिफरेंशियल मैनोमीटर का यूज़ करेंगे। देखिएगा जैसे हमें यहाँ पर दिखाया गया है ये क्या है, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल मैनोमीटर, तो यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर होता है और दूसरा होता है इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, ये इन्वर्टेड डिफरेंशियल मैनोमीटर हम देखेंगे, ठीक है। अब यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या होता है, देखिए यू के आकार के हैं, ठीक है, टू पाइप्स आर डिफरेंट लेवल, देखिए ये टू पाइप डिफरेंट लेवल पर हैं और ये क्या है सेम लेवल पर है, यानी कि ये हमारे पास यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, ये भी यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर है और ये भी यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर है। तो देखिएगा हम इसको किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले जो H है देखिएगा इसमें ये एक फ्लूड भरा हुआ है, कोई भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, ऑयल हो सकता है, यहाँ पर हम मान लेते हैं यहाँ पर मरकरी भरी हुई है और यहाँ पर कोई अदर लिक्विड है,
तो इस ए पॉइंट पर हमें प्रेशर फाइंड करना है और इस बी पॉइंट पर हमें प्रेशर फाइंड करना है। टू पाइप्स आर डिफरेंट लेवल, दोनों पाइप्स के लेवल डिफरेंट है और यहाँ पर दोनों पॉइंट जो हैं वो एक सेम ही लेवल पर हैं। तो जो एच है यहाँ से यहाँ तक, देखिएगा एच जो है वो है डिफरेंस ऑफ मर्करी लेवल इन यू ट्यूब। मर्करी लेवल का जो डिफरेंस है वो क्या है, एच है। वाई, वाई हमारे पास आ गया डिस्टेंस ऑफ सेंटर। देखिए डिस्टेंस है डिस्टेंस ऑफ सेंटर, यानी कि इस बी का जो सेंटर है डिस्टेंस ऑफ सेंटर बी फ्रॉम एच जी लेवल राइट। अब राइट का जो एच जी लेवल है उससे बी तक का जो सेंटर है उस तक की दूरी हमारे पास है वाई। अब एक्स क्या है, जो हमारे पास ए है, देखिएगा डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ए, जो हमारे पास ए है उसके सेंटर से फ्रॉम एच जी लेवल, एच जी लेवल तक की जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास एक्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मेजरिंग प्रेशर हम देखेंगे, प्रेशर को मेजर करेंगे। तो इसमें हम क्या पाते हैं, यहाँ से देखिएगा मैंने पहले कहा था कि हम एक इसके एक सिरे से शुरू करते हैं, तो उसमें क्या मिलता है ये हम देख लेते हैं। पॉइंट ए है, तो पॉइंट ए पर हमें प्रेशर निकालना है और पॉइंट बी पर हमें प्रेशर निकालना है, यानी कि दोनों का डिफरेंस हमें प्राप्त होगा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर। देखिएगा मेजरिंग प्रेशर, यहाँ से हम प्रेशर को मेजर करते हैं। तो मैंने पहले ही कहा था जो भी हमारे पास ये यूट्यूब मैनोमीटर होगा उसके किसी एक पॉइंट से हम यहाँ से शुरुआत करेंगे और इस लेवल से हम लेंगे। तो डाउनवर्ड जब हम चलते हैं तो डाउनवर्ड हमेशा हम प्लस लेते हैं और ऊपर अपवर्ड चलते हैं तो वो हम माइनस लेते हैं। यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो देखिएगा एच क्या है हमारे पास, एक्स है और इसका रो वन कर देंगे, ठीक है। डेंसिटी क्या है, रो वन है और जो हाइट है वो कितनी है, एक्स है। तो हम क्या लिखेंगे, पी ए हमने लिख दिया। यहाँ जहाँ से हम क्या निकालेंगे, प्रेशर निकालेंगे, तो पी ए हो गया और प्लस में रो वन, यानी कि जो हमारा फर्स्ट लिंब में डेंसिटी थी लिक्विड की वो हो गया और जी। और देखिए यहाँ से यहाँ तक तो एक्स है लेकिन यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये एच है। तो देखिएगा फर्स्ट जो लिंब है उसमें प्राइमरी लिक्विड जो भरा हुआ है वो यहाँ तक है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी एक्स प्लस एच। अब देखिएगा यहाँ से लेवल सेम है तो यहाँ से यहाँ तक हम इसको छोड़ सकते हैं। ऊपर चलते हैं तो ऊपर हम चलेंगे तो माइनस लेंगे, ये हमारे पास दूसरा लिक्विड है मर्करी, तो रो टू जी, इसकी हाइट कितनी है, एच है, तो एच लिख दिया। फिर हम और ऊपर चले माइनस में रो थ्री, तीसरा हमें कोई लिक्विड मिल जाता है, तीसरा हमें लिक्विड मिला है तो हमने लिखा कि रो थ्री जी वाई। अब वाई को लिखा कि वाई हमारा क्या है, ऊपर को डिस्टेंस ये बता रहा है, तो ऊपर को डिस्टेंस कहाँ तक है, बी से, यानी जो सेंटर है हमारा बी वहाँ तक की डिस्टेंस वाई है, तो हम लिखेंगे ये। अब सेंटर बी पर प्रेशर हमें फाइंड करना है, तो ये भी हमारे पास ऊपर को ही चल रहा था तो पी बी आ जाएगा माइनस में और इक्वल टू में जीरो। अब देखिएगा गाइज पी ए पी बी को हम केवल यहाँ पर रखेंगे, बाकी सब टर्म को इधर ले जाएंगे। तो देखिएगा ये हमारे पास माइनस का था, इधर जाकर के प्लस रो थ्री जी वाई हो जाएगा, ये माइनस का था रो टू जी एच प्लस में हो जाएगा, ये हमारे पास प्लस में था इधर जाकर के माइनस रो वन जी एक्स प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास फॉर्मूला आता है, इसको हम ये देखेंगे हम डिफरेंस पाइप लेवल के लिए, ठीक है। अब डिफरेंट पाइप लेवल के लिए देखा है तो हम ये सेम पाइप लेवल के लिए ये इसमें देखते हैं, तो यहाँ से भी यही होगा। सबसे पहले पी ए हो जाएगा, पी ए यहाँ पे हो गया तो पी ए हो जाएगा, फिर प्लस में रो वन जी और टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस एक्स प्लस एच, टोटल डिस्टेंस एक्स प्लस एच हो जाएगी, तो रो वन जी एक्स प्लस एच हो जाएगा। अब देखिएगा ये सेम लेवल है, इससे हम ऊपर को जाएंगे, ऊपर को हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे, कोई दूसरा लिक्विड हमारे पास है उसकी डेंसिटी रो टू जी एच हो जाएगा, हाइट इसकी एच है, माइनस थर्ड लिक्विड हमें मिलता है इस सेंटर के लिए। इस सेंटर पर हम क्या करते हैं कि एक लिक्विड है वो कितने डिस्टेंस पर है, एक्स पर, तो क्या होता है यहाँ पर कि रो थ्री जी एक्स। अब देखिएगा डिस्टेंस हमारी एक्स है, जी हमारे पास रो जी एच में आता है क्योंकि प्रेशर जो होता है वो रो जी एच होता है, तो एच कितनी है, वो एक्स है, तो कितना आ गया रो थ्री जी एक्स आ गया माइनस। अब जहाँ पर हमें लास्ट का पॉइंट जो है उसको हमें देखना है तो उस पर प्रेशर हो जाएगा पी बी। अब उस पर पी बी प्रेशर है तो पी बी प्रेशर को लिख करके वो लिखेंगे हम माइनस में क्योंकि ऊपर को ही जा रहे थे और इक्वल टू में जीरो। अब देखिएगा यहाँ पर क्या आता है, इसमें भी यही हमें फंक्शंस करना है कि जो पी ए है और माइनस पी बी है उसको इधर छोड़ देना, बाकी सब टर्म को इधर ले जाते हैं, तो हमें मिलता है ये फार्मूला। अब इस फार्मूले को आप देख लीजिएगा, ये फार्मूला न्यूमेरिकल्स में यूज होता है, ठीक है, आगे हम इसका न्यूमेरिकल भी देखेंगे, ठीक है गाइज। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ,
जो हमारे पास है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन सरफेस, यानी कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स फ्लूड के द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स किसी सरफेस पर वो कैसे होता है, किस तरीके से हम उसको फाइंड करते हैं, आज उसको हम देखने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में, और गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं, जिससे कि आपके लाइक से आपके सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़े और मैं ऐसे ही आपके लिए नए नए वीडियोज लाता रहूँगा। और आई होप के आपके लिए जो मैं क्वेश्चंस लाता हूँ आपको पसंद आए होंगे, और आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आपको न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशंस भी मिलता रहे। तो गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टोटल प्रेशर, या हम इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर, या तो टोटल प्रेशर बोल सकते हैं या सेंटर ऑफ प्रेशर बोलते हैं। देखिए गाइस यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोई हमारे पास ये बॉडी है, ये हमें फ्लूड में डूबी हुई है, ये हमारे फ्लूड में डूबी हुई है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा जी और ये हो जाएगा हमारे पास सेंटर ऑफ प्रेशर। देखिएगा ये किस तरीके से होते हैं, जो जी है ये होता है इस बॉडी का सेंटर, और ये यहाँ पर जो फ्लूड है ये उसमें डूबी हुई है, तो इस फ्लूड के कारण जो टोटल फोर्स लगेगा वो लगेगा इस सेंटर ऑफ प्रेशर पर, जहाँ पर ये टोटल फोर्स एक्ट करता है उसी को हम सेंटर ऑफ प्रेशर कहते हैं। तो डेफिनेशंस को देखते हैं। टोटल प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स एग्जर्टेड बाई ए स्टैटिक फ्लूड ऑन ए सरफेस आइदर प्लेन और कर्व। देखिएगा टोटल प्रेशर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स एग्जर्टेड बाय स्टैटिक फ्लूड, कोई हमारा जो फ्लूड है हमारे पास वो स्टैटिक है, रुकी हुई कंडीशन में है, और कोई सरफेस है, या तो वो कर्व हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, कोई भी सरफेस हमारे पास हो सकता है, और जो फ्लूड है उसके द्वारा जो भी फोर्स लगेगा, टोटल फोर्स जो भी लगेगा वो इस पॉइंट पर लगेगा, तो हम इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ प्रेशर बोलते हैं। यानी कि टोटल फोर्स जहां पर फ्लूड का एक्ट करता है, जिस पॉइंट पर टोटल फोर्स फ्लूड का बॉडी पर एक्ट करेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ प्रेशर बोलेंगे। और जो सरफेस की शेप होगी वो कर्व हो सकती है, रेक्टेंगल हो सकती है, प्लेन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो और देख लीजिएगा इसमें कि क्या लिखा हुआ है, व्हेन फ्लूड कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट नॉर्मल टू द सरफेस। देखिएगा जो भी सरफेस फ्लूड के कांटेक्ट में आता है ये जो फोर्स है उस सरफेस के नॉर्मल लगता है और ऑलवेज नॉर्मल लगता है, ये आपको पॉइंट याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कोई भी हमारा सरफेस है वो फ्लूड में डूबा हुआ है, फ्लूड में इमर्ज्ड है, तो उसके सरफेस पर ठीक है जो फोर्स एक्ट होगा, टोटल फोर्स एक्ट होगा वो किस पॉइंट पर होगा और किस तरीके से, यानी किस डायरेक्शन में होगा, तो हम क्या कहेंगे कि जो भी सरफेस फ्लूड से कांटेक्ट में है उस सरफेस पर जो फोर्स लगेगा वो उसके नॉर्मल लगेगा, 90 डिग्री पर लगेगा, और किस पॉइंट पर लगेगा वो लगेगा सेंटर ऑफ पॉइंट पर, ठीक है, सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर पॉइंट जो होता है उसी पर ये टोटल फोर्स एक्ट करता है। अब सेंटर ऑफ प्रेशर होता क्या है, सेंटर ऑफ प्रेशर को हम देखते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द टोटल प्रेशर ऑन द सरफेस, यानी जहाँ पर टोटल प्रेशर एक्ट करता है उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ प्रेशर बोल देते हैं। अब देखिएगा ये फोर टाइप्स, वर्टिकल प्लेन सरफेस, सेकंड है हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस, इंक्लाइन प्लेन सरफेस, और फोर्थ है हमारे पास कर्व सरफेस। तो चार हो गए, फर्स्ट वर्टिकल, सेकंड हॉरिजॉन्टल, थर्ड इंक्लाइन, और फोर्थ है हमारे पास कर्व। तो हम फर्स्ट देख लेते हैं, फर्स्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट है वर्टिकल प्लेन सरफेस इमर्ज इन लिक्विड। देखिएगा वर्टिकल प्लेन सरफेस इमर्ज इन लिक्विड, तो वर्टिकल प्लेन सरफेस में ये आता है कि एक हमारे पास कोई बॉडी है उसको हम क्या कर रहे हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड उसको डुबा रहे हैं, और किसी जगह पर जाकर के स्टैटिक फ्लूड में हमने वहाँ पर उसको रोक दिया और उस पर हम प्रेशर फाउंड करना, हम किस पर, वर्टिकल प्लेन सरफेस पर। तो वर्टिकल प्लेन सरफेस सबमर्ज्ड इन लिक्विड, लिक्विड में डूबा हुआ है कोई हमारे पास वर्टिकल प्लेन सरफेस है। तो कंसिडर ए प्लेन वर्टिकल सरफेस ऑफ ऑर्बिटरली शेप, किसी भी शेप का हो सकता है, इन ए लिक्विड एज शोन इन फिगर। तो टोटल प्रेशर ऑफ फोर्स हम सबसे पहले से निकाल लेते हैं। देखिएगा फिगर को हम समझते हैं, हमने क्या किया, कोई भी हमारे पास एक रैंडमली कोई शेप है उसको हमने वर्टिकली इसमें इमर्ज्ड कराया है, और हम देखते हैं कि हमने इसमें छोटे छोटे पार्ट्स में स्ट्रिप को कट कर लिया है, छोटे छोटे पार्ट्स में स्ट्रिप को कट कर लिया है, और वहाँ से एक स्ट्रिप को हमने लिया जिसकी जो हाइट है वो कितनी है, ds। सभी स्ट्रिप की जो हाइट है वो हम ds मानेंगे, और जो विड्थ है वो बॉडी के बराबर होगी जो b है। तो एक स्ट्रिप को हम यहाँ से इसको उठा लेंगे,
तो उस और उस स्ट्रिप की जो सर्फ वाटर सरफेस लेवल से है, वाटर सरफेस जो है वो फ्री सरफेस, उससे एच डिस्टेंस होगी, यानी कि एच जो है उसकी डेप्थ है, और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है वहाँ से वाटर सरफेस की जो भी हाइट है वो है एच बार हमने मान लिया, और सेंटर ऑफ प्रेशर की जो वाटर फ्री सरफेस से हाइट है वो मान लिया हमने एच स्टार। एच स्टार को हम सेंटर ऑफ प्रेशर हाइट बोलेंगे, इसी को हमें फाइंड करना होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं टोटल प्रेशर फोर्स एफ। टोटल प्रेशर फोर्स एफ हम किस तरीके से देखते हैं कि प्रेशर ऑन स्ट्रिप, इस स्ट्रिप पर इस वाटर की हाइट के कारण जो भी फोर्स लगेगा, जो भी प्रेशर फोर्स लगेगा हम उसको देख रहे हैं। तो जो प्रेशर होता है उसको हम P इक्वल टू रो जी एच लिखते हैं पास्कल लॉ से। यहाँ पर स्ट्रिप का जो प्रेशर है वो हमारे पास रो जी एच हो जाएगा, और स्ट्रिप का जो एरिया है देखिएगा डी ए को ले लेंगे, बहुत छोटा स्ट्रिप हमने लिया है तो छोटा एरिया होगा डी ए इक्वल टू बी इंटू डी एच। हाइट इसकी हमारे पास कितनी है डी, ठीक है, हाइट इसकी डी एच हो गई और बी जो है वो इसकी विड्थ हो जाएगी। तो टोटल प्रेशर फोर्स ऑन स्ट्रिप, स्ट्रिप पर जो टोटल प्रेशर फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, टोटल प्रेशर फोर्स कितना होता है एफ इक्वल टू पी इंटू ए, यानी कि प्रेशर इंटू एरिया जो होता है वो प्रेशर फोर्स होता है। तो स्ट्रिप का निकाल रहे हैं तो उसको हम डी एफ से लिखेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा पी इंटू डी ए। अब पी इंटू डी ए तो पी की वैल्यू हमारे पास है रो जी एच हमने यहाँ पे रख दी, और जो डी ए है वो है बी इंटू डी एच, क्लियर है। डी एफ की वैल्यू निकालेंगे तो रो जी तो हमने एच डी से लिखा, और जो बी है इंटू में एच यहाँ पर हमने लिख दिया, डी एच हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। ये इक्वेशन हमारे पास कोई मान लेते हैं वन है। अब टोटल प्रेशर फोर्स ऑन होल सरफेस, देखिएगा अभी हमने स्ट्रिप पर निकाला था, अब टोटल सरफेस इस पूरे, अब टोटल जो प्रेशर फोर्स होगा वो इस होल सरफेस पर निकालेंगे। तो हमने क्या देखा था कि इसमें छोटी छोटी बहुत सारी स्ट्रिप हमने बना ली थी, और उसमें से एक स्ट्रिप को उठा करके हमने ये सब सॉल्यूशन निकाला था। तो इन सब स्ट्रिप को मिलाने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमें एक स्ट्रिप के लिए निकला ये क्या है फोर वन स्ट्रिप। टोटल स्ट्रिप के लिए हम निकालेंगे तो इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, और जो भी हमारे पास वैल्यू है उसको हम इंटीग्रेशन में लिखेंगे। तो कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन रो जी एच इंटू बी इंटू डी एच। यहाँ से हम रो जी को कॉन्स्टेंट मानेंगे तो इंटीग्रेशन बी इंटू एच डी एच आ जाएगा, और रो जी बी इंटू डी एच हम अगर लिखें और एच को हम अकेला छोड़ दें तो देखिएगा क्या बनता है। ये तो है स्ट्रिप का एरिया जो हमें यहाँ से मिला था, ये स्ट्रिप का एरिया है, देखिएगा बी इंटू डी एच, तो यहाँ से ये बी इंटू डी एच है, और जो एच है वो क्या है फ्री सरफेस ऑफ वाटर, ये इस स्ट्रिप की डेप्थ है। देखो डिस्टेंस ऑफ सी जी फ्रॉम फ्री सरफेस, डिस्टेंस ऑफ सी जी फ्रॉम फ्री सरफेस हमारे पास क्या है वो एच बार है, ठीक है, क्योंकि जो एच होता है इंटीग्रेशन में वो कहाँ तक इंक्रीज, कहाँ तक वो डेप्थ में इंक्रीज करेगा, वो डेप्थ में इंक्रीज इसके सेंटर तक करेगा, क्योंकि हमने होल बॉडी का लिया है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एच इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा एच बार। तो यही होता है डिस्टेंस ऑफ सी जी फ्रॉम फ्री सरफेस, देखिएगा सी जी की जो डिफरेंस डिस्टेंस है वो कितनी है, वो है फ्री सरफेस से हमारी एच बार। तो इसीलिए हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एच को एच बार। अब एच बार हमने यहाँ पर लिख दिया तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, b इंटू डी एच है तो उसको a लिखेंगे, क्योंकि टोटल जो एरिया हो जाएगा और जो इंटीग्रेशन ऑफ h हो जाएगा वो कितना है h बार है। तो f इक्वल टू रो जी एच बार a यहाँ पर आ जाता है, इसको हम न्यूटन लिखते हैं क्योंकि ये हमारे पास वैल्यू किसकी है फोर्स की वैल्यू आई हुई है। नेक्स्ट हमें निकालना है सेंटर ऑफ प्रेशर। सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है, हमने बताया था सेंटर ऑफ प्रेशर की जो हाइट है, यानी कि हमारे पास एक बॉडी थी और उस बॉडी का एक पॉइंट था जिस पर टोटल फ्लूड का फोर्स जो है एक्ट कर रहा था, उस पॉइंट को हम सेंटर प्रेशर बोल रहे थे, और उसकी जो फ्री सरफेस से डेप्थ थी वो कितनी थी एच बार थी, ठीक है, एच स्टार थी। एच स्टार से हम ये देखते हैं कि जो भी सेंटर ऑफ प्रेशर की हाइट है वो कितनी आती है, इसको हम देख लेते हैं। तो द रिजल्टेंट फोर्स इज एक्टिंग एट पी, जो रिजल्टेंट फोर्स है टोटल फोर्स है वो पी पॉइंट पर एक्ट करेगा एट ए डिस्टेंस एच स्टार फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड का फ्री सरफेस है वहाँ से एच डिस्टेंस पर है। तो देखिएगा मोमेंट ऑफ फोर्स एफ अबाउट फ्री सरफेस, फ्री सरफेस के अबाउट में हम मोमेंट ऑफ फोर्स निकालेंगे होल बॉडी का, तो हमारे पास आ जाएगा एफ इंटू
एच स्टार। अब देखिएगा ये हमारे पास कोई बॉडी थी और यहाँ पर ये पी पॉइंट था, इस पर ये क्या कर रहा था एफ, यानी कि टोटल फोर्स एक्ट हो रहा था और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी एच स्टार। तो हमारे पास जो मोमेंट होता है वो कितना होता है एफ इंटू एच स्टार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मोमेंट का फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस फोर्स के परपेंडिकुलर में एच स्टार डिस्टेंस दी हुई है तो इसका मतलब मोमेंट जो हो जाएगा एफ इंटू एच स्टार हो जाएगा। इसी तरीके से मोमेंट ऑफ फोर्स डी एफ एक्टिंग ऑन स्टिप, अब स्टिप के निकालेंगे तो यहाँ पर देखो होल सरफेस के लिए निकाला था तो एच इंटू एच स्टार हुआ था, यहाँ पर हम स्ट्रिप पे निकालेंगे तो स्ट्रिप पे जो भी फोर्स हम मानेंगे वो कितना मानेंगे डी एफ मानेंगे। ये हमारे पास डी एफ हो गया और स्ट्रिप की जो फ्री सरफेस से गहराई है यानी कि हाइट है वो कितनी है एच है, तो यहाँ पर कितना मानेंगे डी एफ इंटू एच हो जाएगा। देखो फोर वन स्ट्रिप, ये वन स्ट्रिप के लिए है तो टोटल स्ट्रिप के लिए हम क्या करेंगे इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने पर डी एफ की वैल्यू हमें क्या मिलती है देखिएगा डी एफ की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी रो जी बी इंटू एच इंटू डी एच। तो यहाँ पर हम इसको रख देते हैं रो जी एच बी इंटू डी एच। ये देखिएगा ये एच हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, अब रो जी को हम कांस्टेंट रखेंगे तो इंटीग्रेशन बी इंटू डी एच, इन दोनों को मल्टीप्लाई में एक साथ लिखेंगे और ये जो एच और डी एच बचा हुआ है एच और डी एच इन दोनों को हमने एक साथ लिखा। तो देखिएगा एच और एच की मल्टीप्लाई करेंगे एच स्क्वायर तो बी एच स्क्वायर डी एच आ जाएगा जो इंटीग्रेशन में लिखा जाएगा, और बी इंटू डी एच ये क्या होता है ये एरिया होता है स्ट्रिप का। तो बी इंटू डी एच हम क्या लिखेंगे डी ए बराबर लिखेंगे क्योंकि ये स्ट्रिप का एरिया होता है। अब देखिएगा मोमेंट ऑफ इनर्सिया आप जानते होंगे कि जो इंटीग्रेशन एच स्क्वायर डी ए होता है वो आई होता है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई। तो m इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास रो जी आई, ये क्वेश्चन नंबर हमने भी मान ली। अब देखिएगा मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ द सरफेस अबाउट फ्री सरफेस, ठीक है यानी कि जो i है उसको हम क्या बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्सिया बोलेंगे ऑफ द सरफेस, सरफेस का अबाउट किसके फ्री सरफेस के। तो इक्वेशन a यहाँ पर हमने देखी m इक्वल टू एफ इन टू एच स्टार था और इक्वेशन नंबर b हमने जो देखी है वो कितना था m इक्वल टू जी रो और आई, यानी कि जी रो और आई था। इसको हम दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहाँ से हमने क्या देखा जो एफ की वैल्यू थी, जो एफ की वैल्यू थी उसको हम रखेंगे यहाँ से। देखिएगा एफ की वैल्यू हमारे पास आई थी रो जी एच बार ए, रो जी एच बार ए हमने यहाँ पर एच डीज रख दिया है और एच स्टार हमारे पास है तो रो जी आई। अब देखिएगा रो जी इधर है रो जी इधर है, रो जी से रो जी यहाँ पर भी कैंसिल हो सकता है लेकिन हम इस टोटल को अगर इसके डिवाइड में लेकर चले जाएं तो यहाँ से रो जी हमारा कैंसिल हो सकता है तो आई अपॉन एच बार ए यहाँ पर बचता है। अब देखिएगा ये है एच स्टार और इक्वल टू में आई अपॉन ए एच बार आया है तो यहाँ से हम अगर आई की वैल्यू निकालें तो ये इसके मल्टीप्लाई में जाएगा, ये यहाँ पर क्या होगा ये इसके मल्टीप्लाई में जाएगा यानी कि आई इक्वल टू हो जाता है ए एच बार एच स्टार बाय पैरेलेक्स थ्योरम। तो पैरेलेक्स थ्योरम में हमने पढ़ी थी कि जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया होता है वो सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्सिया प्लस ए एच बार स्क्वायर होता है और एच बार हमारे पास क्या थी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वहाँ तक की डिस्टेंस होती है। तो ए की वैल्यू आई की वैल्यू जो आई थी हमारे पास वो कितनी थी ए एच एच स्टार और यहाँ पे एच बार जो है तो आई की वैल्यू आई थी हमारे पास ए एच स्टार और एच बार, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है हमें यहाँ से एच स्टार को फाइंड करना है तो एच स्टार को फाइंड करने के लिए इसको हमें अलग छोड़ना पड़ेगा यानी कि इसको सिंगल छोड़ते हैं और जो इसके साथ में जो भी टर्म है वो इसके टोटल अपॉन में ले आते हैं। अब टोटल अपॉन में ले आने के बाद हम क्या करते हैं दोनों को अगर हम अलग अलग रखें तो आई जी अपॉन ए एच बार आ जाएगा और प्लस में ए एच बार का जो स्क्वायर है वो ए एच बार को कैंसिल करेगा तो ए से ए कैंसिल और एच बार से एच बार एक कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे एक एच बार बचेगा तो हमारे पास जो टोटल फॉर्मूला बन के आता है वो कितना आता है एच स्टार इक्वल टू आई जी अपॉन ए एच बार प्लस एच बार और एच बार हमारे पास क्या है कि डिस्टेंस, ये हमारे पास डिस्टेंस है कहाँ से कहाँ तक की सी जी से फ्री सरफेस, ठीक है फ्री सरफेस ऑफ वाटर, फ्री सरफेस ऑफ वाटर की हमारे पास ये
डिस्टेंस है, इसी को हम लेते हैं। इसके बाद हम चलते हैं एक न्यूमेरिकल पर, इसी टॉपिक का एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखिएगा इसमें एक रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस है जिसकी विड्थ है हमारे पास 2 मीटर एंड डीप 3 मीटर, ठीक है, यानी कि 2 मीटर वाइड है और 3 मीटर वो डीप है, यानी कि 3 मीटर गहरा है और 2 मीटर चौड़ा है। तो इट इज़ लाई इन वर्टिकल प्लेन इन वाटर, वर्टिकल प्लेन है। डिटरमाइन द टोटल प्रेशर एंड पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, यानी कि पी और हमें क्या निकालना है एच स्टार, ये दोनों हमें फाइंड करने हैं। पी क्या होता है टोटल प्रेशर होता है और एच स्टार क्या होता है पोजिशन होती है सेंटर ऑफ प्रेशर की, ठीक है। आगे व्हेन इट्स अपर एज इज हॉरिजॉन्टल कॉन्साइड विद वाटर सरफेस, देखिएगा अपर एज इसकी हॉरिजॉन्टल है और वाटर सरफेस से कॉन्साइड करता है, मतलब वाटर सरफेस से मिली हुई है। बी है 2.5 मीटर बिलो द फ्री वाटर सरफेस, 2.5 मीटर नीचे है, यानी कि इस वाटर सरफेस से 2.5 मीटर यहाँ पर है, तो तब हमें टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर की जो हाइट है पोजीशन है उसको हमें निकालना है। और अगर यहाँ पर ये वाटर सरफेस से कॉन्सेट करता है तो तब हमें एच स्टार यानी कि सेंटर ऑफ प्रेशर की पोजीशन निकालनी है। देखिएगा इस एग्जाम्पल को शुरू करते हैं, तो प्लेन विड्थ दी हुई है हमारे पास 2 मीटर और डेप्थ दी हुई है हमारे पास 3 मीटर। तो सबसे फर्स्ट में अपर एज कॉन्साइड्स विद वाटर सरफेस, फर्स्ट कंडीशन हम देख लेते हैं कि कॉन्साइड विद वाटर सरफेस है। तो टोटल प्रेशर इज गिवन बाय इक्वेशन, अब देखिए टोटल प्रेशर फोर्स हम किससे मानते हैं, टोटल प्रेशर फोर्स है, टोटल प्रेशर फोर्स हम किससे डिनोट करते हैं एफ से, और वो कितना होता है रो जी ए एच बार होता है। मैंने बताया था अभी कि रो जी ए एच बार हमारे पास क्या होता है टोटल प्रेशर फोर्स होता है। हमें जो गिवन है वो क्या है वाटर है, तो वाटर का जो डेंसिटी होता है डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है और जी है 9.81, एरिया हमें निकल के आ जाएगा इसका 0.3 × 2 इक्वल टू में 6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और एच बार देखिएगा एच बार को हम किस तरीके से इसमें फाइंड करेंगे कि जो इसकी डेप्थ थी, डेप्थ कितनी थी 3 मीटर, 3 मीटर के एकदम हाफ में, ठीक है, 3 मीटर के हाफ में हमारे पास क्या होगा ये एच बार होगा, यानी कि हाफ में इसका ग्रेविटेशनल पॉइंट होता है, तो वहाँ तक ही हम क्या मानते हैं एच बार मानते हैं। तो एच बार कितना आ जाएगा 3 का हाफ करेंगे तो 1.5 मीटर आ जाएगा। तो एफ इक्वल टू यहाँ पर वैल्यू रखने पर हमें मिलता है 88290 न्यूटन। देखिएगा इस बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसी तरीके से हम एग्ज़ाम में करके आएंगे और एग्ज़ाम में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो इसी में वो वैल्यू चेंज कर देगा या फिर हमको यूनिट में प्रॉब्लम करता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर इज गिवन बाय इक्वेशन, जो हमारे पास इक्वेशन है उससे हम क्या निकालेंगे डेप्थ ऑफ सेंटर निकालेंगे, यानी कि जो पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर था उसको हम फाइंड करेंगे। तो आई जी देखिएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी जी ऑफ द एरिया ऑफ सरफेस, ये क्या है आई जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट से, ठीक है, जो भी हमारे पास सरफेस का एरिया दिया हुआ है, ठीक है। तो एरिया ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आई जी इक्वल टू बी डी क्यूब अपॉन 12, आई जी इक्वल टू बी डी क्यूब अपॉन 12 यहाँ पर होता है, क्योंकि हमारे पास क्या दिया हुआ है ये है हमारे पास रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है बी डी क्यूब अपॉन 12। यहाँ से हम वैल्यू रखेंगे, बी की वैल्यू हमें 2 दी हुई है और डी की वैल्यू हमें 3 दी हुई है, तो 3 का क्यूब हो जाएगा अपॉन में 12, तो कितना आ रहा है हमारे पास 4.5 मीटर की पावर 4 आ रहा है। इसी वैल्यू को हम कहाँ पर रखेंगे इस इक्वेशन में हम रख देंगे, तो एच स्टार जो निकल करके आता है टोटल कैलकुलेशन में वो 2 मीटर आता है, देख लीजिएगा गाइस 2 मीटर वैल्यू आएगी, ठीक है। तो जो इसका टोटल प्रेशर है वो कितना है 88290 न्यूटन का है, और जो हमें उसका सेंटर ऑफ पोजिशन जो हमें मिली है सेंटर ऑफ प्रेशर की जो पोजिशन है जहाँ पर ये टोटल फोर्स एक्ट करता है वो करता है 2 मीटर पर, यानी कि 2 मीटर बिलो जब हम वाटर सरफेस में नीचे जाएंगे तो वो हमें उस बॉडी पर जो हमें रेक्टेंगुलर प्लेन है उस पर एक पॉइंट मिलेगा 2 मीटर पर जाकर के, उस पॉइंट पर हमें सेंटर ऑफ प्रेशर टोटल प्रेशर एक्ट होता हुआ
दिखाई देगा। तो चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन की तरफ। इसमें दिया हुआ था कि अपर एज, जो इसकी अपर एज है वो कितनी है, 2.5 मीटर बिलो, देखिएगा 2.5 मीटर बिलो है कहाँ से, वाटर सरफेस से। तो यहाँ से टोटल प्रेशर का फॉर्मूला जो होता है वो सेम होता है, एफ इक्वल टू रो जी ए एच बार, हम ये जब जानते हैं। जो एच बार है वो देखो कितना हो जाएगा, देखिएगा जी यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1.5 था यहाँ से यहाँ तक, अब 1.5 में 2.5 हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 मीटर। एफ हम निकालेंगे तो एच बार की वैल्यू हम रखेंगे 4, और ए की वैल्यू कितनी है 6, जी की वैल्यू 9.81, और रो की वैल्यू हमारे पास 1000, क्योंकि वाटर है, वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हम रखते हैं। तो यहाँ से हम इसको फाइंड करते हैं तो एफ हमारे पास मिल जाता है 235440, और ये मिलता है हमारे पास न्यूटन में। यहाँ से हम सेंटर ऑफ प्रेशर जो देखने वाले हैं, वो इक्वेशन हमारे पास होती है सेंटर ऑफ प्रेशर निकालने की, एच स्टार इक्वल टू आई जी अपॉन ए एच बार प्लस एच बार। अब देखिएगा एच बार की जो वैल्यू है हमारे पास है, और एच ए की वैल्यू हमारे पास है, लेकिन हमारे पास आई जी की वैल्यू अभी तक नहीं है। तो आई जी हमारे पास नेक्स्ट जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमारे पास आई थी 4.5, तो 4.5 हमारे पास ये है, देखिएगा मैं इस आपको शो करा देता हूँ, जो हमारे पास आई की वैल्यू आई थी, आई जी की वैल्यू हमारे पास 4.5 मीटर की पावर 4। यहाँ से हम आई की वैल्यू नेक्स्ट इस क्वेश्चन में रखते हैं, इस कंडीशन में हम देखेंगे तो ए की वैल्यू 6 है और एच बार की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो यहाँ से हम इस फॉर्मूले में जब वैल्यू को पुट करते हैं तो आई जी की वैल्यू है 4.5, ए की वैल्यू 6 और एच बार की वैल्यू आती है हमारे पास 4, और जहाँ पर h बार है उस वहाँ पर हमने 4 रख दिया। तो वैल्यू हमारे पास जो निकल करके आती है कैलकुलेशन करके, वो आती है सेंटर ऑफ प्रेशर की 4.1875 मीटर। 4.1875 मीटर ये है उस पोजीशन की वैल्यू जहाँ पर सेंटर ऑफ प्रेशर एक्ट करता है, जहाँ पर टोटल प्रेशर एक्ट करता है, ठीक है। तो हमने ये क्वेश्चंस को देखा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए जो होमवर्क था, और उसमें हमने देखा कि एक मैंने लास्ट वीडियो में एक होमवर्क क्वेश्चंस दिया था, आई होप कि आपको उसमें कुछ हेल्प मिली हो, जो भी आपने उस वीडियो में देखा था उस क्वेश्चंस को करने में काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो इसीलिए मैं आपको एक और होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पर, तो ध्यान से देखिएगा। Determine the total pressure on a circular plate। ये देखिएगा गाइज, यहाँ पर सर्कुलर प्लेट है, हमने अभी रेक्टेंगल का किया था, लेकिन ये क्या है, सर्कुलर प्लेट हमारे पास है। डायमीटर कितना है, 1.5 मीटर है, विच इज प्लेस्ड वर्टिकली इन वाटर। देखो वर्टिकली प्लेन है, वाटर में है, इमर्ज्ड है, इन सच ए वे दैट द सेंटर ऑफ द प्लेट इज 3 मीटर। जो सेंटर ऑफ प्लेट है वो कितना है, 3 मीटर है फ्री वाटर ऑफ सरफेस से। तो फाइंड द पोजिशन ऑफ द सेंटर प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें एच स्टार को फाइंड करना है, देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ से आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इसका सही आंसर दे पाते हैं, ठीक है गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।